कौन से हैं वो प्लेयर्स जो आईपीएल 2021 में नहीं खेलेंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं क्रिकेट इनसाइट, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं क्रिकेट के रिगार्डिंग बड़ी बड़ी अपडेट्स। जैसा कि आपको पता है, आईपीएल 2021 19 सितंबर से शुरू होने वाला है और बीसीसीआई ने यहां पे को आईपीएल कराने के लिए यूएई की वेन्यू डिसाइड कर ली है, जहां पर बीसीसीआई ने पूरा प्लान बना लिया है कि बचे हुए 31 मैचेस यूएई में कराने वाले हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बीसीसीआई के सामने आ रही है, वो है उनके फॉरेन प्लेयर्स। और आज हम आपको उन्हीं फॉरेन प्लेयर्स के बारे में बताने वाले हैं कि कौन कौन से फॉरेन प्लेयर्स आईपीएल 2021 के लिए अवेलेबल नहीं होंगे और उनके रिप्लेसमेंट कौन कौन होने वाले हैं। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको चेन्नई सुपर किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद, दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बारे में सारी डिटेल्स बताने वाले। सो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप भी क्रिकेट के बड़े फ़ैन हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आईपीएल 2021 में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबिलिटी दिखाई दे रही, जहां पर फॉरेन प्लेयर्स दोस्तों यहां पे को उनकी अवेलेबिलिटी पे काफ़ी ज़्यादा शक है कि कौन कौन से प्लेयर्स आएंगे, कौन कौन से प्लेयर्स नहीं आएंगे। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर कट बताने वाला हूं। शुरुआत करते हैं दोस्तों सबसे पहली टीम की, और वो है हमारी चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स से दो प्लेयर्स आपको पार्ट टू में आपको हिस्सा लेते हुए नहीं दिखेंगे, जिनका नाम है सैम करन और मोइन अली। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि इंग्लैंड के प्लेयर्स आपको आईपीएल 2021 के सेकंड पार्ट में नहीं दिखने वाले। बात करें उनके रिप्लेसमेंट की, तो उनके रिप्लेसमेंट होंगे यहाँ पे को डेविन कॉनवे और टिम साउदी, जो खबरें निकल कर आ रही हैं। डेविन कॉनवे अपने फॉर्म ऑफ दी लाइफ में है और काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव बैट्समैन है और सीएसके में टॉप ऑर्डर में यहाँ पे को खेल सकते हैं। बात करें दोस्तों अगली टीम की, वो है सनराइजर्स हैदराबाद। सनराइजर्स हैदराबाद का फॉर्म कुछ खास नहीं रहा है, और जो अब खबर आ रही है वो ये है कि जॉनी बेस्टो और जेसन रॉय आपको अब इस लाइनअप में नहीं दिखेंगे। जैसा कि आपको पता है, इंग्लैंड के प्लेयर्स आईपीएल 2021 के सेकंड पार्ट में नहीं आएंगे। बात करें उनके रिप्लेसमेंट की, सो उनके रिप्लेसमेंट होंगे यहाँ पे को एलेक्स हिल्स और मुशफिकुर रहीम। एलेक्स हिल्स बिकॉज वो एक इंग्लिश प्लेयर है, वो यहाँ पे को वर्ल्ड कप के स्क्वाड का पार्ट नहीं है, उनके रैंकिंग में नहीं है। सो एलेक्स हिल्स आपको आईपीएल 2021 में खेलते हुए दिख सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की, जिनके लिए ये झटका काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, बिकॉज उनके कैप्टन ऑयन मॉर्गन इस आईपीएल 2021 के पार्ट टू में आपको हिस्सा लेते हुए नहीं दिखेंगे। बात करें दूसरे प्लेयर की, सो वह है पैट कमिंस, जो उनके स्पेयरहेड बॉलर हैं, वो भी आपको आईपीएल 2021 के पार्ट टू में हिस्सा लेते हुए नहीं दिखेंगे। रिप्लेसमेंट कौन कौन से हो सकते हैं उनके, वो हो सकते हैं एरन फिंच, शेल्डन कॉटरेल या फिर मैट हेनरी। सो दोस्तों, शेल्डन कॉटरेल और मैट हेनरी वो एक दो रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। इनमें से उनको डिसाइड करना है कि वो कौन सा रिप्लेसमेंट लेते हैं, और जल्दी आपको ये खबर भी सामने मिल जाएगी कि यही रिप्लेसमेंट आपको सामने मिल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स इस बार एरन फिंच को अपने उसमें एज अ रिप्लेसमेंट बुलाने वाले हैं, ताकि वो उनको यहाँ पे को लीड भी कर सकें। सो एक बहुत बड़ा अपडेट है। सो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना। बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की, जो कि अभी टेबल टॉपर्स हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। इनकी टीम से मिस करेंगे सैम बिलिंग्स, टॉम करन और क्रिस वोक्स, जो कि एक बहुत बड़े बड़े नुकसान हैं। बात करेंगे रिप्लेसमेंट की, सो यहाँ पर आएंगे कार्लोस ब्रैथवेट, मैथ्यू वेड और शेल्डन कॉटरेल। इन तीन प्लेयर्स से यहाँ पे को बात चल रही है, और इन तीन प्लेयर्स में से ही आपको कुछ प्लेयर्स आपको यहाँ पे को दिखने वाले हैं दिल्ली कैपिटल्स के स्क्वाड में। और एक बहुत बड़ी अपडेट वो है कि स्टीव स्मिथ भी आपको शायद आईपीएल 2021 के पार्ट टू में दिखाई ना दे। इसके पीछे रीज़न ये है कि बिकॉज उनका वर्कलोड मैनेजमेंट, उनको आगे एशेज भी खेलना है, जिसके लिए उनको अभी से प्रिपरेशन करनी है, और वो अपना यहाँ से वर्कलोड मैनेजमेंट करके चलेंगे। बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की टीम की, जिनको इस सीज़न में सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, बिकॉज उनके यहाँ पे को मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स नहीं आएंगे, जैसे जॉस बटलर, बेन स्टोक्स, लियाम लिविंगस्टोन, जोफ्रा आर्चर और एंड्रू टाई। बात करें उनके रिप्लेसमेंट्स की, सो वो हैं वैंडर डुसन, ग्लेन फिलिप्स, कुशल परेरा और ब्यूरन हेनरिक्स। ये चार प्लेयर्स उनके रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, और जो खबर है वो तो ये है कि वैंडर डुसन ने टीम को ज्वाइन कर लिया है। ग्लेन फिलिप्स उनके लिए एक बहुत अच्छे अटैकिंग ओपनर होंगे, और वो उनसे बात कर रहे हैं, और वो आपको इस बार आईपीएल 2021 के पार्ट टू में देखने वाले हैं। बात करें आखिरी टीम की, वो है पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स से यहाँ पे को डेविड मलान और क्रिस जॉर्डन आपको आईपीएल 2021 के पार्ट टू में हिस्सा लेते हुए नहीं दिखेंगे। बात करें उनके रिप्लेसमेंट की, सो यहाँ पे कॉलिन मुनरो उनके लिए एक बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है, और वो यहाँ पे को आईपीएल 2021 के पार्ट टू में आपको दिख सकते हैं। बात करें आखिरी टीम की, और वो है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस को कोई भी नुकसान नहीं होगा, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स उनके अवेलेबल होंगे, और वही एक ऐसी टीम है जो अपने फुल स्क्वाड के साथ आईपीएल 2021 के पार्ट टू में खेलने वाली है। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस रेगुलर लाते रहते हैं। थैंक यू।